क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल को बचाने का कोशिश जारी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कैप्टन नोजल उन जॉम्बिस को खत्म कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं इन जॉम्बिस की तादाद तो खत्म ही नहीं हो रही है, आखिर दुश्मन चाहता क्या है। इस किंगडम का किंग मार्क से पूछता है विजर्ड किंग कहाँ है, ऐसी स्थिति में तो उन्हें पहले मुझे बचाना चाहिए। क्लोवर किंगडम के इस महाराजा का नाम है अगस्टस कीरा क्लोवर एक्स ट्रिपल आई, जो सिर्फ नाम का ही राजा है। सारा काम तो विजर्ड किंग करते हैं। राजा कहता है राज्य के सबसे ताकतवर जादूगर विजर्ड किंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरी रक्षा करना, पर वो अभी है कहाँ। मारस कहता है अब बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, अब फिक्र ना करे, हम विजर्ड किंग के सलाहकार हैं, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। राजा कहता है हाँ, उस जूलियस की तो लड़ाई के वक्त उसके और मेरे हक बराबर हो जाता है, इसलिए वो अब कुछ ज्यादा ही भाव दिखा रहा है। कैसल टाउन के किचन में सेप्स खाना बना रहे होते हैं और चार्मी उन्हें देख रही होती है। एक सेप कहता है हमारे किंगडम के ऊपर हमला हुआ है, हमें कहीं आसरा लेना चाहिए। दूसरा सेप कहता है पागल, एक सच्चा सेप कभी भी खाना पकाना बीच में छोड़ के नहीं भागता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेस्ट पकवान बनाता रहूंगा। और एक सेप कहता है लेकिन सारे मैजिक नाइट्स को भेजा गया है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है, वो लड़ाई के लिए रवाना हो चुके हैं। कुकिंग करते हुए वो सेप कहता है क्या वो मेरे हाथ का खाना खाए बिना ही ऐसे कैसे जा सकते हैं। चार्मी आकर उस सेब के पैर पड़ जाती है और कहती है आपका सबसे टेस्टी पकवान प्लीज मुझे खाने दीजिए। वो सेब कहता है ये लड़की कौन हुई। ओ अच्छा, ये एक मैजिक नाइट है, इसका मतलब ये उन बड़े लोगों में से है जो डेकोरेशन सेरेमनी में इनवाइटेड थे। उसकी घुरती आँखों में एक चमक है, उसकी टपकते लार में भी एक चमक है, ये कोई खास लड़की है। ये सोचकर वो सेब कहता है तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपनी अब तक की सबसे अच्छी डिश बनाऊंगा। और वो कुकिंग करने लगता है। उस सेब का एक साथी सेब कहता है चलो यहाँ से भाग चले। पर वो सेब कहता है ये जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आस्था अल्फ्रेड से लड़ रहा होता है, जो कि इस हमलावर की एक समनिंग जम्बी है। इस हमलावर का नाम है राडेस। आस्था अल्फ्रेड को टच भी नहीं कर पाता है। राडेस कहता है मूर्ख बच्चे, ऐसे तलवार होने का भी क्या फायदा अगर तुम निशाने तक पहुंच ही ना सको। आस्था अल्फ्रेड के थंडर अटैक को टच करता है। वो बच्ची डरी हुई थी। नोएले उससे कहती है ये तुम्हारा मौका है, भाग जाओ यहाँ से। वो बच्ची नोएले के पास आकर कहती है उनकी मदद करो। नोएले कहती है ठीक है, चिंता मत करो, वो मेरा एक करीबी दोस्त है। आस्था उस अल्फ्रेड को कहता है यहाँ नीचे आ जाओ। राडेस कहता है पागल हो गए हो क्या, किसी और के कहने पर वो नीचे आ जाएगा क्या। नोएले याद करती है जब हम डंजन में लड़ रहे थे तब आस्था ने कहा था मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है पर मेरे पास मेरे दोस्त है। तब मेरी जादुई शक्तियाँ आस्था की तलवार में समा गई थी, भले ही दुश्मन हवा में क्यों ना हो, काश मैं पिछली बार की तरह ही उसकी मदद कर पाऊँ। लियोपोल्ड उसके पास आकर कहता है ब्लैक वॉल्स वाली लड़की, मैं लियोपोल्ड वर्मिलियन तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अपने राइवल को और चोट पहुंचने नहीं दूंगा। राडेस और एक जॉम्बी को समन करके कहता है तुम लोग इसके साथ लड़ सकते हो। लियोपोल्ड सोचता है मॉडी वाटर का जादू, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। नोएले नोटिस करती है कि पिछले हमले के वजह से आस्था को जो जख्म हुआ था वो और गहरा होता जा रहा है। राडेस का मॉडी क्रिएचर नोएले और लियोपोल्ड के ऊपर हमला करता है, वो दोनों इसे डच कर लेते हैं। राडेस आस्था से कहता है तुमने मुझे पहले कहा था ना कि तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो, पागल कही के मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अपनी कठपुतलियों को कंट्रोल करके खेल का आनंद उठाऊंगा, मैं बस जीतना चाहता हूँ, यही मेरे लड़ने का तरीका है, मैं जानता हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आस्था ये सुनकर सोचता है ये नालायक इंसानों को इंसानियत की नजर से नहीं दिखता है, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। राडेस कहता है क्यों क्या हुआ, गुस्सा हो गए, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए बस हिम्मत ही काफी नहीं है, पागल पिद्दी, अल्फ्रेड मार दो उसे। अल्फ्रेड की पावर बढ़ जाती है। आस्था सोचता है थत, अब मैं क्या करूं। अल्फ्रेड थंडर अटैक करता है, तभी कोई उसके ऊपर फायर अटैक करता है।
अल्फ्रेड आग से कवर हो जाता है। रैडिस कहता है, मेरा अल्फ्रेड भस्म हो गया बस एक ही पल में। और ये फायर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन फुगेलियन होते हैं। अस्ता मन में सोचता है, धत यार मैं अकेले इसे हरा नहीं पाया। कैप्टन फुगेलियन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच आया इसलिए माफी चाहता हूँ, पर मैंने सोचा ये कितनी शर्म की बात होगी अगर तुम जैसा एक हिम्मत वाला इंसान यहाँ मर गया तो। आस्था ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। फुगेलियन उसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो, जादुई शक्ति ना होने के बावजूद तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़े। उनकी ये बातें सुनकर आस्था को कैप्टन यामी की याद आ जाती है। फुगेलियन कहते हैं, मुझे कहने में शर्म आ रही है लेकिन यामी की नजरों ने तुम्हारी खासियत को मुझसे पहले ही देख ली थी। आस्था तुम ही हो ना, तुमने कहा था कि तुम विज़ार्ड किंग बनोगे है ना। राडेस ये सुनकर कहता है, हाँ ये विज़ार्ड किंग बनेगा, मुझसे कमजोर पागल लड़का विज़ार्ड किंग कभी नहीं बन सकता। फुगेलियन थोड़ा स्माइल करके आस्था को कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि तुम भी मेरे राइवल हो। आस्था ये सुनकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फुगेलियन राडेस की ओर बढ़ते है। राडेस कहता है, तो तुम मुझसे लड़ोगे? हाँ आखिरकार कोई तो लड़ने आया, क्रिम्सन लाइन किंग्स की कैप्टन फुगेलियन भरमेलियन। कैप्टन फुगेलियन आस्था से कहते हैं, आस्था अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लियोपोल्ड और नोएली उस कठपुतली से लड़ रहे होते हैं। उन्हें आस्था और फुगेलियन की फिक्र होती है। आस्था याद करता है कि फुगेलियन ने उसे अपना राइवल कहा। वो बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरे खाली बैठने का समय नहीं है, मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। जैसे ही वो राइडस की ओर बढ़ता है, फुगेलियन उसके सर पे मार कर कहते हैं, नहीं तुम नहीं कर सकते। आस्था रोती हुई कहता है, मेरा चेहरा, मेरा सिर और मेरा पेट दुख रहा है। फुगेलियन कहते हैं, मुझे पता है एक योद्धा बनने के लिए तुम्हें अपने हालातों और अपने लड़ने की काबिलियत की जानकारी होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है ताकि तुम लड़ सको। ये तो साफ है कि तुम उस हालत में नहीं हो, तुम्हारा जोश तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन कभी कभी ठंडे दिमाग से सोचा करो, विज़ार्ड किंग बनने का यही एक सच है। आस्था इस बात से सहमत होता है। फुगेलियन राडेस से पूछते हैं, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? घुसपैठ और खौफ फैलाना, इन दोनों से तुम्हारी हरकतें कोई संबंध नहीं रखती, कौन हो तुम? राडेस कहता है, कौन हूँ मैं? मुझे भूल गए क्या? मुझे लगता है मैं अकेला ही इस रीयूनियन का मजा ले रहा हूँ। 6 साल पहले मैजिक नाइट स्क्वाड के लिए पहले मुझे ही पसंद किया गया था। फुगेलियन कहते हैं, क्या तुम एक मैजिक नाइट थे? राडेस कहता है, मुझे लगा ही था तुम भूल जाओगे मुझे, तुम जैसे लोगों के लिए मेरा कोई महत्व नहीं था। फुगेलियन को याद आता है कि राडेस भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम का एक कैंडिडेट था। फुगेलियन कहते हैं, ओ हाँ तुम तो वही हो, तुम्हारा नाम क्या है? राडेस अपना नाम बताता है। फुगेलियन कहते हैं, तुमने शायद पर्पल ऑर्कर्स ज्वाइन किया था। राडेस कहता है, उन्होंने मुझे निकाल दिया। फुगेलियन कहते हैं, निकाल दिया? तुम में इतना हुनर होने के बावजूद भी क्यों? राडेस कहता है, उनका मानना था कि मेरा जादू खतरनाक और सार्पित है, इसलिए उन्होंने मुझे स्क्वाड और किंगडम से निकाल दिया, और क्योंकि मैं एक आम आदमी था इसलिए किसी ने भी मेरे लिए आवाज नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं, जबकि मेरा जादू सबसे ताकतवर था, तो इसीलिए मैं मैजिक नाइट्स और इस देश को अपने बदले की आग में जला दूंगा, अपनी ताकत से मैं ही चाहता हूँ। फुगेलियन कहते हैं, हमारा लक्ष्य बड़ा है, ऐसे छोटे अपमान के कारण तुम बदला लेने चले आए बेअकल इंसान। राडेस गुस्से में और एक कठपुतली को समन करता है। कैप्टन फुगेलियन लियोपोल्ड से पूछते हैं, लियो क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? लियोपोल्ड कहता है, बिल्कुल नहीं। फुगेलियन कहते हैं, अगर तुम बात को समझ के तो ये सब झट से निपटाओ। आस्था सोचता है, वाओ ये भाई लोग तो कितने कमाल के हैं। राडेस के कठपुतले से लड़ने के लिए फुगेलियन अपना माना रिलीज करते हैं और कहते हैं, माफ करना लेकिन इस आग की गर्मी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्लेम क्रिएशन मैजिक लियो रोगेंस। उनके इस ताकतवर हमले से राडेस का कठपुतली उसे बचा लेता है। राडेस कहता है, नंबर एक कार्ल, जब ये जिंदा था ये डिफेंसिव जादू में एक्सपर्ट था, और मैंने इसमें अपने सार्पित जादू मिलाकर इसे और भी मजबूत बना दिया। फुगेलियन कहते हैं, आस्था क्या तुम्हें याद है
जो मैंने तुम्हें कहा था। देखो इसे, कर्ल अचानक ही हमला कर देता है। फोगेलियन अपने फ्लेम मैजिक से उसके हमले से बच जाते हैं। राडिस कहता है, कार्ल के कवच को कोई भी नहीं तोड़ सकता। फोगेलियन कहते हैं, मान लिया मैं नहीं तोड़ सकता। राडिस हंसते हुए कहता है, बस इतना ही दम था आप में, क्रिम्सन लायन किंग्स के कैप्टन। सडनली एक रे आकर कार्ल के कवच और खुद कार्ल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर राडिस हैरान था। एक्चुअली ये कैप्टन फोगेलियन का एक फ्लेम मैजिक ही था। वो कहते हैं, जब तुम हमला कर रहे थे मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे कवच में कुछ क्रैक्स है और मैंने उसी पर अपना निशाना लगाया। मैं कठिन जादू से रोज निपटता हूँ। वो बाकी दोनों को कहते हैं, तुम सब भी अच्छे से सुन लो, अगर तुम मैजिक नाइट्स बनना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा ताकतवर दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है तो पहले तुम्हें ठंडे दिमाग से उसकी कमजोरियां देखनी होगी। जी जान से लड़ने के लिए तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम समझ पाए? वो दोनों कहते हैं, जी सर। अस्ता सोचता है, इन्होंने एक पल में दुश्मन की कमजोरी और उसकी ताकत को नाप लिया। तो ऐसे होते हैं मैजिक नाइट के कैप्टन्स, कितने औसम है ये। राडिस कहता है, ये कैसे हो गया? मैं इतने आसानी से कैसे हार गया? धत तेरी। हुगेलियन कहते हैं, राडिस चाहे तुम्हारे पास कितना भी ताकत हो, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। मारस कहता है, महाराज लगभग सभी हमलावर पकड़े या मारे गए हैं। महाराज कहता है, बहुत समय लग गया पर मैजिक नाइट्स ने अपना काम कर दिया, पर विजर्ड किंग कहाँ है? मार्क्स कहता है, वो एक जरूरी मिशन में बाहर गए हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्लाउस के साथ गोल्डन टाउन के बाकी दो मेंबर्स जम्बिस को हरा चुके थे। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ब्लू रोजेस नाइट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सिल्वर ईकल्स और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में गोल्डन टाउन के मेंबर्स ने दुश्मनों को हरा दिया है। सारे लोग मैजिक नाइट्स के जय जयकार करने लगते हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट में हमें एक विच को दिखाया जाता है जो कहती है, अब कुछ धमाका करना चाहिए, कितना मजा आएगा। अब वो क्या करने वाली है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।